चलिए प्रश्नों से शुरुआत किया जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आएगा। पहला प्रश्न क्या है ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज के वेन डायग्राम पर आधारित ये प्रश्न होते हैं और आपको अक्सर एग्जाम में दिखते ही दिखते हैं, तो इसलिए इस पर कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं हो सकता था, यह प्रश्न मुझे कराना ही था। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार है, ध्यान से देखिएगा, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे को 36% मिले और कुल 36,000 वोट मिले, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब देखिए यहां डिस्ट्रीब्यूशन है, केवल चुनाव का कॉन्सेप्ट है, परीक्षा के भी प्रश्न होते हैं, वेन डायग्राम का भी उपयोग होता है, हालांकि इसमें वेन डायग्राम का नहीं, सिंपल परसेंटेज का उपयोग आपको दिया गया है। जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव में आप जानते हैं कि एक ग्रुप होता है जो मतदाता कहलाता है, हम सभी मतदाता ही है, दूसरे ग्रुप होते हैं उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवार अगर अकेला ही है तो हार जीत के लिए कोई झंझट ही नहीं होती है, वही जीतता है, और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो हार जीत के लिए हमें मतों को काउंट करना पड़ता है। अब इस चुनाव में याद रखिएगा, जो कुल मतदाता है या कुल दिए गए या कुल पड़े मतों को अगर हम लोग 100% मानते हैं, कितना मानते हैं 100%, यहां पर इस 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अलग अलग लेवल पर, ध्यान दीजिएगा, कभी जरूरी नहीं कि यहाँ पर सारे मतदाता मत डालने ही चले आए, प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि कुल पड़े मतों का, प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कुल वैध मतों का, यहाँ पर तो फिलहाल ऐसे कोई वैध की और पड़े की बात नहीं किया है, साफ साफ लिखा है तीन उम्मीदवार है, पहले को 40% तथा दूसरे को 36 मिला, कुल 36,000 वोट मिले, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा झंझट की बात नहीं है, आप लोग आराम से देख करके बता सकते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले उम्मीदवार अर्थात फर्स्ट को कितना मिला है, फर्स्ट को मिला है 40%। ठीक है, द्वितीय अर्थात दूसरे को कितना मिला है, दूसरे को मिला है 36%। अब आप एक चीज थर्ड को निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं थर्ड को कितना मिला है, थर्ड को अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया, ये दोनों मिलकर के 76 है, अर्थात चौथे उम्मीदवार को 24% मत मिला होगा, ये 24% चौथे को मिला होगा, तीसरे को मिला होगा। ठीक है, थर्ड उम्मीदवार को 24% मत मिला होगा। अब इसने कहा कुल इतने मत पड़े थे जो 76% है, और इसकी संख्या कितनी दे रखा है, यहाँ पर 36,000 दिया है। आपको निकालना क्या है, तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, आपसे यहां भी पूछ सकता था कुल कितने मतदाता थे, अलग अलग उनके मत भी पूछ सकता था, किसी भी कोई संख्या पूछ सकता था। इस 76% का मान आपको दिया है, देखो कितना, 36,000। ठीक है, 76% का मान कितना दिया है, 36,000 दिया है। आप लोग यहां पर, हाँ, 76% का मान नहीं दिया है, यहां पर इसने कहा है कि यदि कुल 36,000 वोट मिले हैं, 36,000 वोट मिले हैं, अगर इसको हम लेकर चलेंगे तो यह गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कुल की बात यहां दिया है, कुल इसकी संख्या आपको दे रखा है कि यहां पर कुल कितने हैं, ये जो 100% है अर्थात टोटल, जैसे अगर हम ऐसे सोचेंगे तो मतलब अगर ये लिखा होता कि दोनों के पक्ष में कुल कितने मत थे, दोनों के पक्ष में अगर इतना होता तो हम इसकी तुलना इससे करते, नहीं तो अभी हमको ये देखना है कि 100% बराबर क्या है, 36,000 है, हमको इस थर्ड वाला पता करना है जो कि 24% है। देखिए हम लोग दो जीरो ऐसे ही खत्म कर देते हैं, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 360 गुणे 24 कर दीजिए, अब शून्य एक तो बढ़ेगा, 24 छक्के 144, कैरी 14 होता है, 24 या 72, 72 10 82, 82 4 कितना होता है 86, 8,640 मत था सेकंड या थर्ड उम्मीदवार के पक्ष में जा रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर का, हाँ बिल्कुल 100% के हिसाब से जाएंगे, उसी हिसाब से यह प्रश्न आपको दिया हुआ था। बहुत बढ़िया था रिस्पांस आप में से जितने लोगों ने हमें बताया था, 8,640 राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल अच्छा है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो अगर ये लिखा होता कि यहाँ पर इन दोनों के पक्ष में इतने मत थे, ऐसा भी प्रश्न बन सकता था, इन दोनों के पक्ष में इतने मत थे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे किया जा सकता था, तो हमको यहाँ पर थर्ड का पता करना होता या कुल उम्मीदवार का पता करना होता तब भी हम लोग एग्जैक्टली बता लेते। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए होगा और करिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात लागत, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य जो है एक्स रुपए है, इसे 100% बढ़ाकर, पहले इसके वैल्यू को 100% बढ़ाया गया है, अंकित किया गया है और 30% की छूट देने के बाद 420 रुपए में बेचा जाता है। अब आपसे पूछा कि x का मान अर्थात उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था, कितने लोग उत्तर कर सकते बताइए। कोई व्यापारी क्या करता है, सबसे पहले किसी वस्तु को खरीदता है, उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, फिर वह ग्राहक के सामने एक वस्तु के दाम को प्रेजेंट करता है, हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि वह खरीद दाम से ज्यादा अर्थात वृद्धि करके उस वस्तु की मूल्य को किसी के सामने प्रेजेंट करे, फिर उसके बाद फिर क्या करेगा, छूट देकर वह बेचता है अर्थात सेलिंग प्राइस बताता है। जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं और हमको लगता है कि दुकानदार ने हमें 20% का छूट दे दिया, लेकिन उसके पहले दुकानदार ने वस्तु का दाम अपने हिसाब से सेट करके रखा था अर्थात बढ़ा के प्रिंट किया था। अब वस्तु का मूल्य देखो यहां पर कितना है, एक्स है, इसने सबसे पहले 100% की छूट दिया था, सॉरी 100% की वृद्धि किया था, वृद्धि करके एक दाम बना होगा,
उस पर उसने 30% की छूट देकर के इस वस्तु को बेचा था, और कितने में बेचा था बताइए, 420 में बेचा था। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि यहां पर उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। दो काम यहां हो रहा है, एक तो सबसे पहले 100% की वृद्धि हो रही, जिसको सतत रूप से हम लोग को ले चलना होगा, क्योंकि सबसे पहले वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद उसने वस्तु के दाम में कमी करी, वो भी 30% की। तो आप दोनों परसेंटेज को सेट करिए। जैसे 100% क्या होता है, 100% हमेशा 100 या किसी भी परसेंट को आपको वैल्यू में जब कन्वर्ट करना होता है तो बटे 100 करते हैं ना। तो जैसे 100% है तो 100 को क्या लिखेंगे, 100/100 लिखेंगे। 100/100 लिखेंगे तो 1/1 अर्थात एक ही होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर अगर हम 100% को भिन्न में बनाएंगे तो 1/1 अर्थात एक ही आएगा। 30% की छूट देना मतलब क्या होता है बताएं, 3/10। 3/10 कैसे, 30/100 लिखिए तो 3/10 होगा। अब सतत में देखिए लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले कहेंगे अगर वस्तु का दाम एक था, एक से बढ़कर कितना हुआ, 2। मतलब ग्राहक ने अगर 100 में, सॉरी दुकानदार ने अगर वस्तु को 100 में खरीदा है तो उसने ग्राहक के सामने 200 बताकर प्रेजेंट किया है, और अब बता के प्रेजेंट किया है 10, और 3 कम करके उसको कितने में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। ये उसकी लागत हो जाएगी और यह उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक तुलना होती है सतत के हिसाब से, 10 × 1 = 10 है, 7 × 2 = 14 है, ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसे देख लो, 10 से बढ़ रहा है 14 होके 4, 4 से अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे वृद्धि है 10 में, तो हमसे यहाँ पर जैसे एक चीज पूछा है आपको, यहाँ पर फिलहाल परसेंटेज, जैसे एक चीज और पूछ सकता था, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितना प्रतिशत उस वस्तु का दाम कम हो गया, ऐसे भी हमसे प्रश्न पूछ सकता था। अब आप एक चीज समझ लो, किसने हमको क्या दिया था, वस्तु का क्या दिया था, वस्तु का हमसे विक्रय मूल्य दिया था। अब यहाँ पर देखो यह वैल्यू कितनी है, 14, ये कितनी है, 10। 14 का मान हमको दिया है कितना, 420, और आपसे इस 10 का मान पूछ रहा है, तो 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42 होगा। 30 को 10 से गुणा कर दे कितना हो जाएगा बताओ, 300 हो जाएगा। अर्थात उस वस्तु की लागत कितनी थी, 300 रुपए। आपसे प्रिंटेड प्राइस भी पूछ सकता है और हर चीज यहाँ पर कंफर्म कर सकता है। प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और करते चलिएगा, ठीक है। 300 रुपए जिसका आ रहा एकदम सही है, कंफर्म आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है जो द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बातें, जनरल जनरल चीजें जान लीजिए जो जरूरी है हमारे लिए। जैसे हमारा कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसे हम ऐसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है 2, आप देख पा रहे हैं, इसलिए यह द्विघात है ही है। कभी भी कोई द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसके हमेशा दो हल आते हैं। क्या आते हैं, दो हल। दो हल मतलब दो सोल्यूशन, और इन्हीं को हम मूल कहते हैं, इन्हीं को रूट कहते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इन्हीं को आप मूल या रूट कहते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आप इनके जो दो हल होते हैं उसको अगर एक को अल्फा कह दो, दूसरे को बीटा कह दो, ठीक, हमेशा दो हल आते हैं। उनसे संबंधित कुछ बातें होती, जैसे आप एक चीज तो आप ध्यान दो कि आपको अगर द्विघात समीकरण के रूट दिए गए हैं तो आप उनसे समीकरण बना सकते हो, या अगर कभी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल करना हो तो योगफल कर सकते हो, गुणनफल करना हो तो गुणनफल कर सकते हो। जो अपने प्रश्न में भी सारी चीजें दिया है, जैसे इसने हमसे कहा कि हमारा यह समीकरण है x² + 11x + 50 = 50 है। इसके दो मूल है, एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। हम लोगों से बोला अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान बता दो। देखो क्या सोच रहे थे इसके बारे में बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको हल करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अल्फा का अल्फा से गुणा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं ना। मतलब अपने को जरूरत है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की। अगर ये कहीं से आपका सेट हो जाए तो निकालिए, और बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा द्विघात समीकरण के मूल अगर आपने अल्फा बीटा सोचा है तो ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताए, c/a, ये होता है। अब आप कंपेयर करके सबसे पहले abc डिसाइड कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही a कहलाता है, a का मान 1 होगा। x का जो गुणांक होता है वही b कहलाता है, b का मान 11 होगा। जो बचा टर्म c होता है जो कि आपके सामने 50 है, करेक्ट है। अब आप देखो इसको कैसे निकालते हैं, कैसे हल करते हैं, सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, भाई हम यहां से अगर सोचे तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, जो -11/1 अर्थात -11 होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a अर्थात 50/1 होगा, मतलब 50 होगा, ठीक है, 50 ही होगा। अब आपको जो आवश्यकता है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसकी है, और आप में से देखिए कई सारे लोगों ने मैं उत्तर बता ही दिया है, बहुत बढ़िया है। प्रश्न है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट।
देखो इसकी वैल्यू तो अपने पास पता है 50, बट ऊपर वाले का मान केवल अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जानकारी में है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। आपको जो टर्म दिया है, जैसे आप एक चीज जान लो, आपको पता है जैसे हमको दिया अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया बताओ, -11। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होगा कि नहीं, बराबर 11 का भी वर्क करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 कर दो, इसका मान हमें पता है करना है क्योंकि यहां जरूरत है। अल्फा बीटा का मान हम लोग को पता है 50 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख दे 50 और 50 इंटू 2 कर दे तो 100 जाके निकलेगा तो 21 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए इसकी जगह पर, यहां पर लिखेंगे 21 और नीचे लिखेंगे 50। 50 से भाग करिए, पॉइंट लगेगा, दशमलव बढ़ा, और यहाँ पर शून्य, 50 चौके 100 होता है, 50 दूना 100 होता है, 50 चौके 200 होता है, 50 दूना 100 होता है, 0.42 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 0.42 देखिए हमें सुजाता जी ने, पायल ने, इमामुल हक ने, सोनू ने, संतोष ने, अंकुर ने, पुनीत ने, सबने हमें 0.42 बताया था, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। द्विघात समीकरण का मैंने सेशन आपको दिया था, याद होगा, जितनी जरूरत की चीजें हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा उस तरह से डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अभी एक ही टॉपिक को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो यह समय लेता है ना, तो हम अगर बहुत समय लेंगे तो हम उस सब कुछ टच कराना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपको ओवरव्यू देते चले जाएंगे, जो जरूरी चीजें हैं उस प्रश्न से संबंधित वो मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। क्लियर है, आ गया सबको समझ में, आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दो तीन बातें ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, और कभी कभी आपको दोनों रूट दे देता है तो आपसे समीकरण ही पूछ लेता है। समीकरण का नियम होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे हम लोग अगर मान लो कभी रूट दे दे और आपसे इक्वेशन पूछ लेते, इक्वेशन भी निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे मान लो हम आपस में, जब आपस में एक दूसरे को कंपेयर, हम आसान इसलिए जान के रखवाए इसको कि यहाँ पर ऐसा पैटर्न भी आपसे मिल सकता है, ये पैटर्न कई जगहों पर आपसे कंपेयर क्वेश्चन बना सकता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कैसे क्या बन सकता है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, इसका उपयोग और भी जगहों पर है, मैं वो भी आपको कंफर्म कर देता हूं। सबसे पहले देखो, अगर हम किसी से नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं, मान लो मैंने आपसे कंपेयर किया, मेरे पास 100 रुपए हैं या 50 रुपए हैं, आपके पास 70 हैं, तो आपके पास मेरे से 20 ज्यादा है, मेरे पास आपसे 20 कम है, लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज का सिस्टम क्या है, देखो अगर ए है और बी है, इसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अगला वेतन 30% कम होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि हम आपसे 30% ज्यादा कमाते हैं, तो आप मेरे से 30% कम नहीं कमाते हैं, इसको आप लोग बहुत ही क्लियरली समझिएगा, ठीक है। यहां पर सिचुएशन समझिए कैसे इसको डिसाइड किया जा सकता है, इसको बहुत ही कंफर्म कर लेते हैं हम, इसको दो तीन तरीके से आपको करवाते हैं। सबसे पहले देखो, जो ए है बी से 30% ज्यादा कमाता है, 30% का मान क्या होता है बताओ, 30% का मान, या हम ऐसे ध्यान दें कि जब भी कभी इस तरह के तुलना वाले प्रश्न होंगे, ये तुलना वाले जब प्रश्न होंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि दो ही चीज रहेगी, आपको ज्यादा दिया होगा तो कम पूछेगा, और कम दिया होगा तो क्या पूछेगा, ज्यादा पूछेगा। यहां पर आपको ज्यादा दिया है, अधिक दिया है, कितना बताओ, 30%। 30% मतलब क्या होता है, 3/10, 3% मतलब अगर आप लिखना चाहो 30/10 होता है। अब आपको जैसे कमी पता करना है, तो कमी पता करने का मतलब 3 ले जाओ गुड़े 100 करो बटे, ज्यादा है तो जोड़ के ले जाइए, ज्यादा है तो जोड़ के ले जाइए, अगर कम से ज्यादा पे पहुंचना होता तो घटा के लाते। अब 13 से भाग कर दीजिए 300 को, 300 बटे 13 है, 13 दूना 26 है, 40 13 3 39, 13 3 39 हो गया, 23.1 समथिंग करके आएगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते थे हम लोग, जैसे आप देख ही रहे थे, 30% अगर ए ज्यादा था बी से, 30% का सिस्टम क्या होता है, 30% जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका 3/10 होता है, तो अगर यहाँ पर ए है और ये बी है तो कंफर्म था बी इतना है और ए आपका 13 हो जाएगा। अब इसके पास 13 है, इसके पास 10 है, तो यह इससे कम है, कितना कम है, 3, किससे कम है, 13 से, 3 × 100 बटे आप 13 ऐसे भी कर देते तो उत्तर आ जाता। देखिए इसका यूज और भी है, जैसे मान लो मैं आपको एक प्रश्न दूं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसी पर। जैसे हमने कहा एक आयत है या आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है कि जो लंबाई है, लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, 50% बढ़ाया जाता है, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल वही बना रहे,
बना रहे। ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि एक आयताकार खेत था जिसकी लंबाई को 50% बढ़ाया गया, तो चौड़ाई, अब सिस्टम समझते हैं आप लोग, आयताकार खेत ऐसे ही होता है, ठीक है। ये है देखिए खेत आपका, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, लंबाई को कह रहा 50% तक बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को कितना कम कर दे कि क्षेत्रफल वही रह जाए। ये आपसे ऐसे प्रश्न बनता है और इसी पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया है? 50% देखो बढ़ा है, तो आपको आपको जैसे वृद्धि पता है, ठीक है, वृद्धि पता है, और आपको निकालना क्या है? कमी, क्योंकि हमने ये देखा कि हमको क्षेत्रफल समान रखना है। तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए आपको क्या करना है कि लंबाई आपने बढ़ाया है तो चौड़ाई में आपको निश्चित बात है, श्योर है कि आपको कमी करनी पड़ेगी। कितना बढ़ाया आपने? 50%, जो क्या होता है 1/2, अर्थात आप वृद्धि किए हो, जैसे यहां पर लिखो 1/2। आपको निकालना कमी है तो इसको ले जाओ 1 × 100 करो, बटे हमेशा अंश जाता है, 100 होता है, वृद्धि है तो 2 में से 1 जुड़ेगा और 3 हो जाएगा, अर्थात आपको चौड़ाई में 33.3% की कमी करनी होगी। अगर आयताकार खेत की लंबाई को 50% तक बढ़ाया जाता है तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दे कि क्षेत्रफल वही बना रहे? तो 33.3% कम कर दे तो क्षेत्रफल वही बना रहे। तो ऐसे ही कभी कमी दे करके वृद्धि पूछ लेता है। जैसे आपसे कोई कहे कि अगर मान लो किसी, अब जैसे इसका प्रश्न इस पर भी बनता है कि किसी वस्तु का दाम अगर मान लो कुछ परसेंटेज बढ़ गया तो उसके खपत को कितने प्रतिशत तक घटा दिया जाए कि खर्च वही बना रहे, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो सेम चीज जैसे वृद्धि होने पर कमी पूछ रहा है, वैसे कमी देकर के आपसे वृद्धि भी पूछ लेगा, और ऐसा ही सिस्टम आपको करना पड़ेगा, आराम से आप प्रश्न हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कितने लोग देख करके इसका सोल्यूशन कर सकते हैं बताइए। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करती है। देखो अगर एक वॉच है, एक घड़ी है, ये देखिए, तो घड़ी का शेप हमेशा, भले ही घड़ियां अलग अलग शेप की मिलती हैं आपको मार्केट में, लेकिन जो उसकी वर्किंग होती है वो सर्कुलर होती है, क्योंकि उसकी नेडल्स जो होती हैं वो सर्कुलर के बिहाव पर ही ऐसे देखिए मूव करती है, टिक 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 चलती है घड़ी। अब इसको मान लो है मिनट हैंड है, मिनट हैंड इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मिनट हैंड मैक्सिमम लेंथ को कवर करती है। घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती उसी को रेडियस माना जाता है, अर्थात उसी को त्रिज्या माना जाता है। अब इसने हमसे पूछा क्या, ध्यान से देखिएगा, एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में अगर उसे 40 मिनट तक मूव करना है और चली रही है तो नोक कितनी दूरी तय कर लेगी आपको बताना है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। सबसे पहले इसको बताने से पहले एक चीज जान लो कि अगर मान लो सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल की अपनी एक रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, रेडियस मतलब वो लेंथ जो सेंटर से सतह को मिलाया हुआ रेडियस कहलाती है। मान लो यहां पर दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। इस लेंथ ए बी को क्या कहते हैं पता है, जो मैंने अभी ड्रैग किया, दिस इज कॉल्ड आर्क, इसको आप कहते हैं आर्क, हिंदी में कहते हैं चाप, हिंदी में कहते हैं चाप। इसकी लेंथ अगर मुझे पता करनी हो तो इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब अगर चाप की लंबाई डिसाइड करनी हो तो सबसे पहले सेंटर को इससे मिला दो, इससे मिला दो। देखो यहां से एक सेक्टर भी बन जाता है, आपसे सेक्टर का भी क्षेत्रफल पूछ लेता है कभी कभी। अगर मुझे इस ए बी की लेंथ को डिसाइड करना है कि व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ ए बी, जैसे इसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ए बी ऐसे आर्क से ऐसे प्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इस कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट हमेशा बिंदु पर बना कोण 360 होता है। इसके लिए मुझे ये चेक करना है कि यहां से यहां तक का कोण कितना है, जो है थीटा, सपोज करो थीटा है, ठीक है। तो इस लेंथ अगर आर्क को पूछेगा तो मैं कहूंगा कि यह पूरे इस सरफेस का, सरफेस मतलब इसकी पूरी ये सतह, देखो ये सतह है, ये पूरा जितना है, ये पूरा क्या है वृत्त की पता है परिधि है, 2πr होता है, वृत्त की परिधि है 2πr होता है। तो 2πr का मतलब अगर आप केवल ए बी डिसाइड करना चाहते हो तो ए बी क्या होगा, ए बी उस 2πr का केवल थीटा भाग होगा, कितना भाग होगा थीटा भाग होगा, और थीटा किसका भाग है 360 का है, तो आप लिखो थीटा अपान 360 गुड़े 2πr, आप इसको क्या कह सकते हैं पता है, आर के बी कह सकते हो। इसी प्रकार से ये भी है, अगर आपकी मिनट हैंड 40 मिनट में देखो लिखा है इसने साफ साफ, आपको थोड़ा सा मिनट के बारे में सारी जानकारी क्लियर होनी चाहिए। जब ये मिनट हैंड है देखो ऐसे है, और यहां पर आपको पता है कि 12 होता है, यहां पर 3 होता है, यहां पर 6 होता है, यहां पर 9 होता है, एक मिनट में। अब आपको जैसे अगर ये पूरा का पूरा घूम ले, एक ऐसे पूरा मिनट, तो आपको पता है कि पूरा जब राउंड कर लेती है एक राउंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपको कंफर्म करना था कि जैसे लिखा है ना 40 मिनट में कितना नोक की दूरी मतलब पूरा कवर करेगी, जो मिनट हैंड होती है अगर वह ऐसे कवर करती चली जाए तो 60 मिनट जब घूमती है तो पूरा एक घंटा होता है, अर्थात वह 60 टिप मारती है मिनट हैंड, सेकेंड वाली तो चलती रहती है, सेकेंड वाली 60 बार घूमती है तो एक मिनट बनता है, मिनट वाली जब 60 बार घूमती है एक घंटा बनता है।
और अगर वह 40 मिनट तक ही घूमी है तो कितने डिग्री का कोण बनाई, कोई हमें बताए। अगर वह जब 60 मिनट घूमती है, 60 मिनट जब घूमती है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जो मिनट वाली घड़ी है आपकी, मिनट वाली सुई है, ये 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये कोई मुझे बता दे। 40 मिनट में कोई बताए, मैं जैसे आपको कंफर्म कर रहा हूं उसी तरह समझिएगा। मैंने कहा अगर यह 60 मिनट तक घूमेगी तब यह 360 डिग्री बना पाएगी, 360। तो 40 मिनट में कितने डिग्री बना पाएगी बताइए, 40 मिनट में 20 दुना 40 होता है, 20 तीन 60, 3 से डिवाइड कर दे 120 होगा, 120 दुना 240, 240 डिग्री बना पाएगी, ये कंफर्म हो गया। जब यह 60 मिनट घूमेगी, 60 मिनट घूमेगी तो 360 डिग्री बना पाएगी, और 40 मिनट घूमेगी तो आपका 120 डिग्री बना पाएगी, सॉरी 240 डिग्री बना पाएगी। 60 मिनट घूमने पर 360 डिग्री, तो कंफर्म है कि 40 मिनट घूमने पर 240 डिग्री बना पाएगी। अब जैसे मैंने इसकी लेंथ, अब यही हमसे पूछा कितनी लेंथ कवर करेगी, ए लेंथ कवर करेगी भाई जो 240 के अंडर है, तो मैंने यही तो अभी लिख करके फार्मूला दे दिया। तो आप इसको निकाल लो कितना होगा, 240 बटे पूरा कितना होता है 360, 240 बटे 360 गुणे कितना कर देते हैं 2πr, 2 गुणे पाई, पाई मतलब कितना है 22 बटे 7 है, गुणे r कितना है बताओ, r है 1.5, r है 1.5 है, इसको राइट सॉल्यूशन में आप नोट कर सकते हैं। आप देखिए 240 बटे 360 मतलब ये पार्ट हो जाएगा, ये एंगल ही इस डिस्टेंस को डिसाइड करेगा, यह लेंथ जो है यही डिस्टेंस को डिसाइड करेगा। 240 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई गुणे r, मतलब 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 1.5। चलिए 120 दूना होता है, 120 तिया होता है, और काट दे देखिए 3, 0.5 हो गया, 0.5 देखो अगर हम 0.5 का किसी से गुणा करते आधा हो जाता है, 22 दूना 44 हो गया। अब यहां पर 44 या लिखें या ऐसे सीधा कर दें कि 2 पाई है, कितना है, अब इसको देखो उत्तर ऑप्शन में, जो ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो पाई के रूप में दिया गया है। अगर 2 गुणे 22 बटे 7 लिखा है तो आप इसको 2 पाई नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं 2 पाई। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो एकदम परफेक्ट बताया, बी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 मिनट 6 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये चीजें कंफर्म कर लेना। दो तीन बातें मैंने इसमें बताया आपको, एक तो एक मिनट में या मिनट में कितना डिग्री कवर करता है, दूसरा मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर आर्क लेंथ हमें डिसाइड करनी हो किसी सर्कल के सर्फेस पर तो उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड 2π, आप इसको 2π से क्लियर कर सकते हो, 2π राइट सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। पांचवा प्रश्न कंफर्म आंसर हो गया सबका, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, मैं अपने से श्योर मान रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत भी होगी तो कमेंट से बताइएगा, बाकी देखा जाएगा, एक एक करके हम लोग क्लियर करते चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न है, एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लिखा कितना है 12x-9y बराबर 108 द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई हमको बताना है। ये दरअसल ऐसे पूछता है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे, ठीक है, तो कोई एक रेखा है, रेखा हमेशा किस तरह से लिखी जाती है, जनरल फॉर्म देखो ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जाता है, इस रूप में किसी जनरल इक्वेशन को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बाकी तो y = mx + c से भी करते हैं, बहुत तरीके होते हैं। अगर मान लो यह रेखा है आपके पास, यह एक रेखा है, इसने कहा जो अक्षों मतलब x अक्ष और y अक्ष को जब काटा है जहां पर, जैसे यहां पर काटा होगा तो x, 0 पर काटा होगा, यहां पर काटा होगा 0, y पर काटा होगा, ये जो लेंथ है कहां से कहां तक बताओ, यहां से यहां तक, इस लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, इस लेंथ का हमें यहां पर इस लेंथ को ही डिसाइड करना है। कभी भी कोई सरल रेखा जो इस तरह से लिखी गई है, सबसे पहला काम उसको क्या करो, आप लोग को जैसा मैं बता रहा हूं, उसकी जो यह लेंथ होती है जो अक्षों के काटने से बनती है, उसके लिए सबसे पहले रेखा को ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे x/a + y/b = 1 के फॉर्म में लिखना है आपको। इसको लिखने के लिए 108 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, पहले इस फॉर्म में लिखो तो मैं बताता हूं। फिर आप इसको लिखने के लिए, जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर मुझे अगर 1 बनाना है तो 108 से भाग करिएगा। और एक दूसरा भी तरीका है, मैं आपको उसको भी बता दे रहा हूं। दूसरा तरीका है कि अगर यहां पर x का मान, क्योंकि आपको पता है कि दोनों कोऑर्डिनेट अगर मुझे क्लियर हो जाए तो डिस्टेंस तो हम निकाल ही देंगे, दोनों कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक तरीका और भी है, जैसे आपसे पूछे कि x अक्ष पर कहां काट रहा है, तो x अक्ष पे काटने के लिए y का मान 0 पुट कर दो, y का मान 0 पुट करेंगे तो वैसे भी कंफर्म हो गया कि 12x = 108, मतलब यहां 9, 0 आ जाएगा। कैसे आया बताओ, y का मान 0 पुट किया, 12x = 108, तो x = 12, 9, 108 होता है 9, 0। इसी प्रकार से अगर हम y की जगह पर, x की जगह पर 0 पुट कर दें, x की जगह पर 0 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, -9y बराबर इतना। तो ये जो हमारा यहां बना है ना, मैं आपको कंफर्म बस इतना कर दूं कि भैया नीचे बनेगा, यहां पर क्यों बनेगा, क्योंकि -9y = 108 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12, 9, 108 -12 हो जाएगा, मतलब 0, -12।
ए हो गया। अब आपको जैसे दो बिंदु पता चल जाएं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का तरीका क्या होता है, और उसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक 9, 0 है, दूसरा 0, -12 है। तो एक तो 12 का वर्ग होगा, जैसे अगर आप लिखना चाहें x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, सीधा सीधा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी ओरल बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप देखो जैसे 9 - 0 का होल स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 12 मतलब +12 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 - 81 होता है, 12 - 144 होता है, 4 - 1 - 5 होता है, 8 - 4 - 12 - 225 मतलब 15 आ जाता है आंसर। 15 वैसे भी आएगा, सी ऑप्शन। और अगर ऐसे नहीं करना है तो मैं दूसरा तरीका जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। पहले इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखने के लिए इस समीकरण को 108 से भाग करना होगा। लिखो 12x - 9y / 108 कर दो, बराबर 108 / 108 कर दो, कंफर्म। तो हो जाएगा 12x / 108 - 9y / 108 = 1 हो गया। 12 9 हो गया मतलब x/a, प्लस लिख दीजिए -y/12 - y/12 = 1। तो यहां पर एक, इसका मान यहां पर देखो 9 है, यहां पर 12 है, √a² + b² ही डिस्टेंस होता है, √a² + b² अगर ऐसे फॉर्म में बन गया तो। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 12 का 144 होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, √9² + 12² 225 आएगा। मैंने इसको दो तरीके से करके दिखा दिया, दोनों तरीकों से आप बता सकते हैं। मैंने दरअसल इसको ज्यादा उपयुक्त इसलिए समझा क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लेता कि x अक्ष पर कटान बिंदु क्या है, y अक्ष पर कटान बिंदु क्या है, दोनों आधार पर आप इस प्रश्न का सोल्यूशन देख लीजिए। क्लियर हो गई, एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। 15 इकाई राइट सोल्यूशन है, 6ठे प्रश्न को सी ऑप्शन से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक जान लो। प्रोबेबिलिटी का कल मैं एक वीडियो दूंगा जो बेसिक कई चीजों को कंफर्म कर देगा, लेकिन फिर भी आप कुछ बातें जान लीजिएगा प्रोबेबिलिटी को लेकर के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वैसे मैंने काफी कुछ डिटेल किया है, थोड़ा जान लीजिए क्या होता है। प्रोबेबिलिटी के लिए 2-3 बातें दिमाग में रखिएगा, प्रायिकता जिसको आप लोग कहते हैं। जैसे हम प्रायिकता को पढ़ें और जाने तो दो ही बात अगर हमको क्लियर है तो हम प्रायिकता हमेशा डिफाइन कर देंगे। किसी भी इवेंट की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता, तो सबसे पहले शब्द आता है घटना, घटना को क्या कहेंगे, इवेंट। लेकिन भैया घटना तभी घटती है जब कुछ आप करते हो, तो घटना से पहले होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। आपने कोई एक्शन लिया तो एक इवेंट आया, ठीक है, एक्शन लिया तो एक इवेंट आया। तो आप कोई एक्शन लेते हो और उस एक्शन से कई सारे इवेंट जनरेट होते हैं, इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। इस एक्शन के बाद इस इवेंट के होने की प्रायिकता क्या है, उसी का जो मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे आप घर से निकलते हो, तो घर से निकलते हो तो कई सारी संभावनाएं आपके माइंड में आ जाती है ना, कि हम पहुंच, जहां जा रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे कि नहीं, सेफली पहुंच जाएंगे कि नहीं, पहुंचेंगे हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। जैसे अगर ईश्वर ना चाहे, मतलब ईश्वर कभी ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन अक्सर लोग हॉस्पिटल में जब अपने किसी पेशेंट को या अपने किसी भी व्यक्ति को साथ में लेकर जाते हैं जो आपका रिलेटिव होता है, तो हॉस्पिटल का जो जब एडमिट कराते हैं हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं, तो आप उस फार्म को, जैसे जो अटेंडेंट होता है वो साइन करता है कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल को सुपुर्द कर रहे हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल के हवाले कर रहे हैं। तो वहां पर वो सारी पॉसिबिलिटी लिखी रहती है जो पेशेंट के साथ हो सकती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप उसको पढ़कर साइन करोगे तो पढ़ नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते हो, हिम्मत नहीं करेगी आपकी। उस सब कुछ संभावनाएं, मतलब पेशेंट के ठीक होने से ना ठीक होने तक, पेशेंट के रहने से ना रहने तक की सारी पॉसिबिलिटी उसमें दे देता है। उसी तरह से मैं कह रहा हूं, कोई एक एक्शन लेने पर कई सारे इवेंट जनरेट हो जाते हैं, मुझे इन्हीं में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लो हम इस इवेंट का नाम ए रख रहे हैं, तो हम लिख दें P(a), प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नियम होता है n(a)/n(s), ठीक है। अभी जो एक्शन से जनरेट आउटकम्स होते हैं, एक्शन से जनरेट जितने सारे आउटकम्स होते हैं उन्हीं को आप यस कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। और ये सब जो अलग अलग इवेंट के आउटकम्स होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, आपके काम के आउटकम्स होते हैं जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी होती है। मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी जब बनती है किसी इवेंट की तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है और लेस आर इक्वल टू 1 होती है।
मतलब प्रायिकता ना तो जीरो से कभी छोटी होती है ना तो एक से कभी बड़ी होती है, इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा। तो कभी भी मुझे अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहोगे तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि मुझे दो चीज चाहिए, मतलब और किसी की जरूरत नहीं है। एक तो मुझे आप इवेंट बता दो, इवेंट में कितने आ रहे हैं, और एक बता दो कि टोटल कितने हैं। जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि एक डाइस है, डाइस को फेंकने पर, डाइस जानते हैं लूडो, लूडो जब आप खेले हैं कि नहीं, लॉकडाउन में खूब खेले होंगे, लूडो जब खेलते थे हम लोग तो जीरो एक दो तीन, मतलब एक दो तीन चार पांच छह आने की संभावनाएं हम लोग ढूंढते थे, जो नंबर की हमें जरूरत होती थी वही हमारी आवश्यकता होती थी। जब हम डाइस को फेंकते हैं तो अपने पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं पता है, एक दो तीन चार पांच छह, ये आ सकते हैं। मैंने कहा इनमें से इवन मतलब सम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्याएं कितनी है बताओ, इसमें दो हो सकती है, चार हो सकती है, छह हो सकती है। तो यन ऑफ ए, यन ऑफ ए आपका कितना हो गया, तीन है, क्योंकि इसमें तीन आउटकम्स हैं। यन ऑफ यस टोटल कितने बताएं, छह। तो आपसे अगर पी ऑफ ए पूछ ले तो आप लिखोगे तीन बटे छह अर्थात एक बटे दो, ये प्रायिकता हो गई। तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, आप लोग को बहुत आवश्यक है। कार्ड के बारे में कुछ डिटेल जानकारी, क्योंकि आपको प्रश्न में कार्ड दिया है, प्लेइंग कार्ड जिसे आप कहते हैं, हाँ प्लेइंग कार्ड, ताश के जो पत्ते होते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ताश के पत्ते टोटल 52 होते हैं, 52 ना। अब 52 में देखिए कंडीशन क्या होती है उसको पढ़िएगा। 52 को पहले दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक 26 जो होंगे वो ब्लैक कार्ड होते हैं, काले कलर के होते हैं, काले पत्ती कहलाती है, और 26 ही जो होते हैं रेड कार्ड होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52। अब 26 को पहले आप क्या करो, दो टुकड़ों में ब्रेक कर दो। एक होता है क्लब, एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, ठीक है। और ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। इसी प्रकार से अगर रेड को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक कर दे तो एक होता हार्ट, हार्ट भी 13 होता है, और डायमंड ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। अब 13 का जो नामकरण होता है सबके लिए बराबर जैसा होता है, सबके लिए सेम होता है, मतलब प्रत्येक के लिए एक ही जैसा होगा, बस केवल उनके जो इमेजेस होते हैं ऊपर के वो बदल जाते हैं। जैसे यहां पर भी तीन फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड में जैसे कौन कौन होता है, किंग होगा, ठीक है, एक तो राजा है, बादशाह जिसको कहते हैं क्वीन, जैक, राजा, रानी और नौकर। इसके बाद एक एस होता है, एस का मतलब वन। इसके बाद बाकी सब जितने होते हैं 10 नंबर कार्ड होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर 13 कार्ड इसके पास भी, 13 इसके भी, 13 इसके भी, 13 इसके भी। अब जैसे किंग की बात करो, किंग यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। मुझसे कोई कहे कि एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड को रेंडमली खींचा जाता है 52 पत्ती में से, तो राजा होने की पॉसिबिलिटी या किंग होने की पॉसिबिलिटी या प्रायिकता क्या है, तो हम कहेंगे पी ऑफ किंग जो होगा वो टोटल कितने आ सकते हैं, एक दो तीन चार, चार आ सकते हैं, कितने में से, 52 में से, 4/52 कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 13 = 52 होता है, ठीक है। राजा और रानी अर्थात किंग एंड क्वीन, 4 × 4 = 8, 8/52 कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये जानकारी रहती है ना तो आप आराम से प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम दो कार्ड निकालते हैं तो उसकी स्थिति ही अलग हो जाती है। यहां पर एक सिस्टम होता है कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का, वो भी अप्लाइड हो जाता है। मैं आपको जैसे प्रश्न है उसमें करके दिखाता हूं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला जो आप नोट कर पा रहे हैं, 52 ताशों की एक गड्डी में से, 52 ताशों की गड्डी में से दो ताश, अब यहां पर एक ताश नहीं निकाला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो ताश यादृच्छया मतलब रैंडम निकालने पर निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में से इसकी इक्का होने की, या इक्का मतलब एस, एस होने की प्रायिकता क्या है। इक्का कितने होंगे सब में, आपको पता है जैसे अभी चार बनाए, मतलब स्पेड में, हार्ट में, क्लब में, डायमंड में, सब में एक एक होंगे, ठीक है। अब इसने हमसे कहा कि 52 ताशों की एक गड्डी में से दो ताश यादृच्छया निकाले जाते हैं, टोटल कितने थे 52, दो ताश निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, शेष जो 50 ताश बचते हैं उसमें से सरल निकासी में से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अगर मान लो हमने हमने एक बार रेंडमली, रेंडमली का सेंस होता है कि ऐसे हाथ डाल के हमने दो दो पत्तियां निकाल ली, दो पत्तियां निकाल ली और फेंक दिया, अब बताओ दोनों क्या हो सकती हैं, दोनों इक्का हो सकती हैं, दोनों इक्का हो सकती हैं कि नहीं, यस, एक इक्का हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एक भी इक्का नहीं हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी आप सोचो, मतलब जब हम दो निकालेंगे तो दोनों क्या हो सकती, इक्का हो सकती है कि नहीं, बिल्कुल हो सकती है, एक इक्का हो सकती है, हाँ हो सकती है, और जीरो इक्का हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिल्कुल समझ रहे बातों को। इसी प्रकार जैसे आप इसको थोड़ा बर्बल समझिएगा हम लोग आपको जो बताना चाहते हैं, ठीक है,
अब जब मैंने आपसे कहा कि जब दो इक्का हो सकते हैं, दो इक्का हो सकते हैं, तो इक्का होने की प्रायिकता, जैसे आप इसको ऐसे थीम करिएगा, ऐसे समझिएगा, देखिए कई सारे लोगों ने इसका उत्तर हमें बता भी दिया है और बढ़िया समझिए। इसने हमसे कहा शेष 50 तासों में, अब दो जब इक्का हो गए, दो जब इक्का हो गए तो शेष 50 तासों में शेष कितने बच रहे हैं, 50, उसमें दो ही इक्का तो बचेंगे, कितने इक्का बचेंगे बताओ, दो बचेंगे, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 2/50। अब एक क्रम हो गया, अब इसको फिर से सेटल कर लो अपना तास, ठीक है। रैंडम का सेंस ही होता है, रैंडम करने का मतलब है सोचिए दो निकल गया तो अभी 50 ही बचे, नहीं, अब फिर से सेटल कर लीजिए, एक काम हो गया अपना, सेटल किया, फिर से मैंने दो निकाला, पता चला उसमें एक इक्का है, फेंक दो उठा के, अब जो 50 बचे हैं, जो 50 बचे हैं उसमें कितने इक्का होंगे, बोलोगे 3 इक्का होंगे, भाई जो 50 बचे उसमें 3 इक्का होंगे ना, होंगे। फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने रैंडम सेट कर दिया, दूसरा सेटलमेंट हो गया, तीसरे बार फिर से तास को पूरा सेटल कर लिया, तास को जब सेट कर लिया तो हमने जब निकाल के दो पत्तियां फेंकी, पता चला दोनों इक्का नहीं है, तो जो इक्का चार के चारों है कहां पर है, उसी 50 में है कि नहीं है, उसी 50 में है, तीनों को जोड़ दीजिए, इक्का होने की प्रायिकता 4 3 7 3 2 5 4 9, अगर सबके हर बराबर है, 50 है 50 है 50 है, तो 9/ आप क्या लिख दो, 50, ये उत्तर हो जाएगा 9/50 ऑप्शन नंबर सी में। कितने लोग इसको समझ गए मुझे क्लियर बताइए। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन देखो सेटल हो जाएगा, मतलब आप कंफर्म कर लो, जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। आदित्य आई बातें समझ में, 9/50 इसको अच्छे से क्लियर करिए जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाए। मैंने देखिए जो सेशन आपका लिया है, मिला जुला सेशन की प्रीवियस ईयर कनेक्ट करें, बिना प्रीवियस ईयर बिना पैटर्न को रियलाइज किए आप कैसे, जैसे मान लो आप रिवीजन भी करो तो आप ऐसा कुछ करो जो ऐसे ही शब्द हो, ऐसा ही अप्रोच हो, तभी कंफर्म होता है आदित्य, ठीक है। आई बातें समझ में, चलो इसको क्लियर कर लिया, किसी को डाउट है, किसी को कंफ्यूजन है, क्लियर है ना, गुड। आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, हमने ताश की गड्डी जिसमें 52 थे, 52 में हमने दो खींचे फेंक दिए, दोनों इक्का हो सकते हैं, हाँ, जब दोनों इक्का आपने फेंक दिया तो उन 50 में से देखो दो इक्का ही होंगे ना, क्योंकि टोटल इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो दो इक्का होंगे। अब फिर मैंने दोनों निकाले, एक फेंक दिए, उसमें एक इक्का था जो फेंका, तो जो 3 इक्का है कहां पे बचे होंगे, 50 में बचे होंगे, ये तीसरा क्रम खत्म हो गया। तीसरे क्रम में फिर से ऐसे निकाला, फिर फेंक दिया, कोई इक्का नहीं था, इसका मतलब 4 के 4 वही बचे होंगे, तो सबको जोड़ दिया 9/50। नवा क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न है, एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है, जीवाणु कहीं पर 2.5% प्रति की दर से बढ़ रहे हैं, प्रारंभ में यह संख्या 512,000 थी, 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या, यह परसेंटेज का जैसे क्रमिक वाला क्रम होता है उसी तरह से प्रश्न दिया गया है। 2.5% को थोड़ा जान लो, इसका उपयोग रहेगा आपको, मैं एग्जाम में बता रहा हूं, 2.5% होता कितना है, 2.5% मतलब अगर हम इसको भिन्न में बना लें, किसी भी परसेंट को भिन्न में बनाओ तो आपको बता दूं कि 100 करना होता है, जो दरअसल जो 5 होता है वो 1/40 1/20 होता है, इसको मैं 1/40 लिखता हूं। अब मैं लिखूंगा क्या, देखिए ध्यान से, 40 से 1 बढ़कर 41, एक बढ़ेगा ना, 40 से 1 बढ़कर 41, फिर 40 से 1 बढ़कर 41, कितने घंटे का बोला है, 2 ही घंटे का बोला है ना, 2 घंटे, तो इस बार इसलिए हम 2 बार लिख रहे हैं, क्रमिक का यूज यहां पर अप्लाइड होगा, ये प्रारंभ की स्थिति है और ये बाद की स्थिति है। अब यहां पर यह मान 40, अब गुणा करो या ना करो, यहां लाके रख दो, 5100 है, 000 है, इसका मान हम लोग को डिसाइड करना है, 1681 होता है मल्टीप्लीकेशन करने पे, 2 0 देखिए ऐसे खत्म हो गया, 4 चौके 16 होता है, 16 से इसको काटिए, 16 2 32, 16 3 48, 16 2 32, 320 हो गया, यहां पर 1681 होता है, 320 से इसको गुणा कर दीजिए, 320 से गुणा कर दीजिए, आपका कंफर्म हो जाए जी, बताइए। ओके, चलिए कौन बता रहा है इसका उत्तर, बताइए फटाफट सब लोग जल्दी से बताएं, 1681 का मल्टीप्लीकेशन इसमें हम लोग कर देते हैं तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट भी करते तो भी आ जाता 53 79 20, ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, मल्टीप्लीकेशन करके पूरा देख लीजिए, अंत से वैसे भी डिसाइड हो रहा था लेकिन फिर भी ठीक है, आपके पास 1681 था, 320 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन यहां पर राइट सोल्यूशन है, ठीक है, पहला ऑप्शन 537920, दिस इज द राइट सोल्यूशन आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद यह स्थिति होगी, अगर प्रति घंटा 2.5% की दर से जीवाणु बढ़ रहे थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो आसान था, कर लेते हैं आप लोग, इसका हल बता दें, इसको कौन कौन कर रहा है, सीधा सीधा है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको दिख जाएंगे जो टकराते हैं, जो लगेगा कि हम इसको कर लेते यार अच्छा था, चलिए बताइए फटाफट, 2 की पावर 3x-1,
प्लस 10 है, डिवाइड बाय 7 है, ऐसे कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए ब्रैकेट में, 7 है बराबर 6 है। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दे, लिखिए 2 की पावर 3x, आसान प्रश्न है। 7 × 6 कितना होगा, जैसे अभी इसको पहले एक बार यहां 10 रखते हैं, 10 इज इक्वल टू 7 × 6 = 42, इसको उधर कर देंगे, 2 की पावर 3x - 1 बराबर घटेगा तो 32 होगा। हम तो ऐसे भी समझ रहे थे कि अगर मुझे x निकालना है, जी सातवां छूट गया सच में, अच्छा सातवां नहीं बताया मैंने, ओ मैं बता रहा हूं एक सेकंड, पहले इसको कंफर्म कर लिए, सातवां भी बता देता हूं, ठीक है सातवां मैं बता देता हूं, ताश वाला वो भी उसी तरह का था ना, प्रायिकता का था, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 2 की पावर 3x - 1 बराबर 32 है, तो x का मान हमें अगर क्लियर करना था, दरअसल हम क्लिक किए तो हम आगे बढ़ गए, हमें x का मान निकालना था तो पावर को कंपेयर करना होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3x - 1 बराबर 2 की पावर 5 होगा, बेसिस सेम होते हैं तो पावर बराबर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3x - 1 बराबर 5 कर दीजिए, तो 3x = 5 × 6 होगा, तो x बराबर क्या होगा 2 होगा, x बराबर 2 होगा, राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, x बराबर 2 करेक्ट हल आपके सामने है। आप अच्छे से इस प्रश्न को देखिए समझिएगा, ठीक है। एक प्रश्न देखिए, हम लोगों ने कार्ड वाला छोड़ दिया था, प्रोबेबिलिटी का था, दरअसल हम यहां समझाना शुरू किए तो हम आगे बढ़कर अगले प्रश्न को ले लिए, चलिए वो भी जरूरी था और ये भी आप लोग देखिए ध्यान से। यदि 52 ताश के पत्तों में से एक गड्डी में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं, एक गड्डी में से 2 कार्ड, तो उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो कितनी होगी, इक्का होने की प्रायिकता मुझे बताइए क्या होगी। दरअसल आप ऐसे समझो, आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एन ऑफ ए होती है डिवाइड बाय एन ऑफ एस होती है, करेक्ट। आप सबको पता है कि अगर कभी भी किसी ताश की गड्डी में सोचो, इक्का की बात करो तो इक्का कितना होते हैं, इक्का जो एस होता है वह कितना होता है बताएं, 4 होता है, ठीक है, इक्का जो एस होता है वो 4 होता है। आपको 4 में, जैसे इसने कहा था कि हमको 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड निकाले उसका इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा, तो सबसे पहले हमारी इक्का होने की स्थिति को थोड़ा डिसाइड करते हैं, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस पर जाते हैं, तो सबसे पहले सोच लीजिए कि हमारे इक्का कितने आ सकते हैं, इक्का आने की संभावना क्या है, अगर हम 2-2 पत्तियां लेना चाहते हैं तो 2-2 पत्तियों के आने की कुल संभावना में से इक्का होने की संभावना क्या होगा। इक्का होने के लिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है कॉम्बिनेशन, दरअसल जब हम लोग किसी ग्रुप से में किसी ग्रुप को निकालते हैं, मतलब अपने पास 52 का ग्रुप है, 52 में से 2 की पॉसिबिलिटी के कितने बन सकते हैं, 4 का ग्रुप है, 4 की पॉसिबिलिटी में से कितने बन सकते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसको समझिएगा, इसके लिए कॉम्बिनेशन अर्थात संचय का उपयोग होता है। संचय के लिए लिखा जाता है एनसीआर, और एनसीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। दरअसल हमें बताना चाह रहे हैं आपको कि हम जो जो 2 पत्ते निकाल रहे हैं वो किसमें से निकाल रहे हैं, मतलब निकाल तो 52 में से रहे हैं, लेकिन अगर इक्का के लिए सोच रहे हैं तो हम सोचो इक्का कितने हैं, टोटल 4, तो हम लिखेंगे 4c2, मतलब वो दोनों इक्का हो इसकी संभावना कैसे लिखाई जाएगी, कैसे कितने सिलेक्शंस बन सकते हैं इसके, 4c2, और टोटल कितने होंगे बताओ, 52c2। अगर इसी को आपने कैलकुलेट कर लिया प्रॉपर तो आपका उत्तर आराम से आ जाएगा। चलिए अब कैलकुलेशन देखिए कैसे होगा, हम 4c2 को देखिए, मैंने वो रूल लिख करके दिया ऑलरेडी आपको, तो 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 निकलेगा फिर से 2 फैक्टोरियल, ठीक है, गुणा कर दीजिए, इसका मान देखो कितना होगा, 52 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 50 में से 2 निकलेगा, 52 में से 2 निकलेगा 50 फैक्टोरियल, ये ऊपर कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल गुणे 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, या चाहो थोड़ा आसान यहीं से कर सकते थे, क्यों हम इसको भाग कर रहे हैं तो नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा, यहां 52 फैक्टोरियल कर दीजिए, ठीक है। अब आइए सोल्यूशन किया जाए, देखिए कैसे कैसे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी टोटल बन रही है। 2 फैक्टोरियल देखो इधर ही से काट दिया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 52 × 51 × 50 का फैक्टोरियल, यह इससे खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं सब लोग। आप और चीजें देख लीजिए कंफर्म हो जाए, जैसे इसका मान आप जानते हो कि 4 × 3 × 2 होगा, इसका मान सब जानते हो 2 × 1 होगा, ठीक है, 2 से 1 खत्म हो गया, 4 से देखिए कट रहा है, 4 से इसको डिवाइड कर दे, 4 × 13 = 52 होता है, ऊपर केवल 3 बच रहा है, अभी 3 से भी कट जाएगा, हाँ 3 से कट, 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 होता है, 17 × 3 = 51, 1/13 × 17, तो 1/13 = 13 × 7 = 91, 1 × 9 हो गया, 13 × 1 = 13 = 22, 1/221 ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन होगा। यहां पर इसकी प्रायिकता कितनी हो रही, 1/221 करेक्ट आंसर है, यस। 4c1, अब आप देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा कि हमारा जो इक्का होगा
इक्का कहां से आएगा? दो चार में से आएगा ना, तो चार में से दोनों के इक्का होने की, मतलब टोटल इक्का कितने हो सकते हैं? 4c2 हो सकते हैं, ठीक है। और टोटल दो की संभावनाएं क्या हो सकती है? दो कार्ड आने की संभावनाएं 52c2, क्योंकि 52 से ही तो टोटल निकाले जा रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए, एनआफए डिवाइड बाई एनआफएस के इस मेथड से आप जा सकते हैं। सी ऑप्शन है करेक्ट, सातवां प्रश्न था, ठीक है। सातवें के बाद भी मैंने एक दो क्वेश्चन करा दिया था, कौन कौन, ये आपका 10 तक करा दिया था। लीजिए इस प्रश्न को देखिए, फटाफट सब लोग करिए। एक सम चतुर्भुज है रोम्बस, क्या है रोम्बस का जो परिमाप दिया है, पहले तो रोम्बस की देखिए इन्फॉर्मेशन, बार बार बताया हूं और सबको एकदम बर्बल हो जाना चाहिए अब तक याद, किसी को डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ये है रोम्बस, रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका परिमाप हमको दिया है 52, परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर जो पी होता है दैट इज इक्वल टू 4 into a होता है, क्या होता है? 4 into a होता है। अब 4a बराबर अगर इतना दिया है 52, 4a बराबर 52, 4 से इसको डिवाइड कर दो 13 चौके 52, a बराबर 13, सभी भुजाएं कितनी हो गई? 13। अभी मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा कि क्या करना है, सभी भुजाएं 13 हो गई। अब देखो उसमें कहा छोटा विकर्ण, एक विकर्ण हमको दे रखा है, एक विकर्ण अगर मान लो इसने हमको इसको 10 दिया है, इस वाले विकर्ण की लेंथ हमको इससे पूछ रहा है, बहुत आराम से आप बता सकते हैं। आपको पता है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अगर यह आपका 10 है तो यह भाग 5 होगा, और इस विकर्ण की लेंथ अभी हमने नहीं माना है, इतना भाग x कर लो, ये भी भाग x कर लो, ठीक है, और यह आपके पास 13 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने 80 बार पढ़ाया है आपको, कितनी बार? 80 बार, किन के, ठीक है। चलो x का मान हम निकालते हैं, तो x का मान अंडर रूट कितना होगा? 13² - 5², ठीक है, अभी करना पड़े तो बड़ा खराब लगता है, 144 होगा, हाँ 12 आएगा, अर्थात x का मान अगर 12 हो गया, विकर्ण का आधा, तो बड़ा विकर्ण 12 × 2, 12 × 2 कितना होगा? 24। दूसरा विकर्ण अर्थात बड़ा विकर्ण आपका 24 होगा। इस प्रश्न के लिए बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, कई बार इस तरह के डिस्कशन हुए हैं, मॉडल पेपर में हुए हैं, आशा करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, चलिए त्रिकोणमिति आ गई भाई। त्रिकोणमिति में मैंने एक आपको फार्मूले की सीट दिया है, याद है आप लोगों को, उसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधा फार्मूले पर होंगे, वो भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, फार्मूले थोड़ा स्टैंडर्ड भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो सब ध्यान दीजिएगा, मतलब इग्नोर कुछ मत करके चलिएगा, सारी चीजें कंफर्म करते रहिएगा, तो क्लियर आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आप देखिए इस प्रश्न का सलूशन क्या है, लिखा है कोसेक थीटा। अब मुझे जरूरत तो नहीं ना बताने की सबको एकदम बेसिक, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप में से सभी लोग लगभग वो सब बातें जानते हैं जो मैं अभी बताऊंगा। अगर आपको बताना मैं चाहूं कि बेसिक लेकर के चलो कुछ बता दूं, नहीं कोई जरूरत नहीं मुझे नहीं लग रही है। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग यहां पर, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा करो, तुलना करके हम लोग साइन थीटा का मान भी फटाफट निकाल देते हैं। 3 × cosec थीटा प्लस 3 × sin थीटा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, 5 से कर दो, 5 × cosec थीटा माइनस 5 × sin थीटा, 5 × sin थीटा। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा को कंपेयर कर ले, वैसे भी सबको पता होगा, कमेंट कर सकते हो साइन और कोसेक का क्या रिलेशन होता है। चलो कोसेक को कोसेक की तरफ, साइन को साइन की तरफ, इसको उधर ले जाना अच्छा है, इसको इधर लाना, 8 × 8 sin थीटा होगा, 3 sin थीटा - 5, तो +5 होगा 8 sin थीटा, 5 में से 3 निकलेगा, 2 cosec थीटा होगा, 2 cosec थीटा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सब लोग को इतनी जानकारी तो हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को। इसको हम लिख सकते, देखो 2 × 1 = 2 कर दें, 2 × 4 = 8 कर दें, 4 × sin थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक होता ही 1/sin। इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा sin²θ, इसको इधर कर दे तो 1/4 होगा, ठीक है। अब साइन थीटा बताओ कितना होगा? अंडरूड 1/4 होगा, अंडरूड 1/4 का मतलब ±1/2 होगा, 1/2 कब होता है साइन पर आप लोग खुद ही बता सकते हैं, साइन का मान देख लीजिए आपके पास, यहां पर हमसे साइन थीटा ही पूछा था, 1/2 इसमें है, 1/√2 है, नहीं है कि हम इसमें एक से अधिक ऑप्शन लगा दें, और प्लस माइनस की वजह आप देख करके सोचो कि चलो दो आंसर आएंगे, प्लस 1/2 भी आएगा, माइनस भी आएगा, तो हम एक से ज्यादा लगा दें, एक से ज्यादा दरअसल है नहीं ऑप्शन में, तो आपको केवल पहला ऑप्शन लगाना है, ए ऑप्शन, ठीक है, यही होगा, 1/2 लगाइएगा, तो साइन थीटा का मान आपके पास 1/2 है, आप इसी को उत्तर में रखिएगा, ठीक है, यही उत्तर में रखिएगा, 12वें प्रश्न का करेक्ट हल आपका है। यस, 12वां प्रश्न, पहला ऑप्शन एकदम 1/2 लगाना है आपको, और कोई कंफ्यूजन नहीं। न्यूनतम मान पूछा है, इसमें से मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम का एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में,
बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाए। ठीक, चलो सबसे पहले देखो, अगर साइन कॉस एक किसमें है, कॉस एक में कॉस नहीं कॉस, अगर साइन और कॉस में आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो समीकरण बनाए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप में लिखिए, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम होता है और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिनिमम होता है, जब भी कभी बात आएगी मैं आपको बता दूं। लेकिन ए हमारे पास यहां पर साइन स्क्वायर है और कॉस कॉस स्क्वायर है, तो मैं आपको समझाऊं डायरेक्ट करना है, एक रूप में ले जाइए, लिखिए टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री इंटू, आपको बता दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थ्री इंटू क्या लिख दे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे लिखते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप इसको लिख क्या सकते हो, देखो जैसे हम लिखना चाहें तो आपके पास यहां पर थ्री है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हम ऐसे थोड़ा सा इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि थ्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बात जान लो आपसे जैसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा न्यूनतम मिनिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। कभी जैसे आपके पास कोई धन है वो मिनिमम कब होगा, जब अधिकतम खर्च करोगे ना, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है कोई वैल्यू है, मिनिमम तब आएगा जब आप मैक्सिमम खर्च करोगे। हमारे पास यही वैल्यू है, इस समीकरण का यही मान है, इस मान में एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से ए घट रहा है, इसका जो सबसे अधिकतम मान होगा वही अगर घटाएंगे, इसका जो सबसे अधिकतम मान होगा अगर वही घटाएंगे तो न्यूनतम मान आएगा। इसका सबसे अधिकतम मान कैसे निकलेगा, साइन का अधिकतम मान कहां होता है बताएं, साइन का अधिकतम मान न्यूनतम मान साइन का जीरो पे होता है और अधिकतम एक होता है, साइन का न्यूनतम मान जीरो होता है और अधिकतम मान कितना होता है, एक होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो साइन का अगर हमें पता है कि अधिकतम मान एक होता है तो हम यहां पर एक पुट कर दे और तीन में से एक घटा दे, तीन में से जब एक घटा देंगे तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा बताओ, दो आएगा, दो आएगा जो सी ऑप्शन में, कुछ नहीं करना था, कोई आपको पैटर्न पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप सीधा सीधा बताओ सी ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है, न्यूनतम पूछा और अधिकतम में से मतलब सॉरी अधिकतम घटाने पर ही तो न्यूनतम आएगा, तो राइट सोल्यूशन इसका कितना होगा बताएं। हाँ इतना पता हो कि साइन मिनिमम होता है जीरो डिग्री पर, जीरो होता है, मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, एक होता है, कॉस इसका उल्टा होता है, जीरो पर वह अधिकतम होता है एक और न्यूनतम कहां होता है 90 डिग्री पर, ये बातें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 13th हो गया कंफर्म, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लीजिए इसको देखिए, थोड़ा सा अल्जेब्रिक भी रहिए, हाँ अल्जेब्रिक क्या अर्थमेटिक बेस्ड रहिए। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एक दो तीन चार सो ऑन टिल द इनफिनिट, इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे के, दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191। पहले का जो वर्ग हो, पहली चीज तो तीनों संख्याएं क्रम से हो, तीनों संख्याएं क्रम से हो, क्योंकि तीन क्रमागत प्राकृतिक बोला है। जैसे यहां पर सारे ऑप्शन है, नौ है, दस है, ग्यारह है, आठ है, नौ है, दस है, दस से ग्यारह, ये चलेंगे, तीनों ऑप्शन एप्लीकेबल हैं। लेकिन कंडीशन देखो कैसे दिया है कि पहले का जो वर्ग हो, दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191, पहले का वर्ग दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। जैसे ऑप्शन से चेक करो और कोई अच्छा तरीका नहीं है, ऑप्शन से ही इसका सबसे परफेक्शन बनता है। पहला ऑप्शन मैंने लिया 9, 10 और 11, तो पहले का वर्ग कितना होगा 81, इन दोनों का गुणनफल करो 110, 110 में इसको जोड़ दें 191 आएगा बराबर हो गया, पहला ही ऑप्शन चलेगा, ऑप्शन से जाइए, इसमें कोई और जरूरत नहीं किसी मेथड को लगाने के। बाकी समीकरण भाई बनाओगे तो बहुत सारे हैं भाई, हम एक्स वर्ग करें, ये करें, वो करें, समीकरण पे जाएं भाई, नियम तो है ही है ना, पहली संख्या आपकी एन होगी, दूसरी एन प्लस वन होगी, तीसरी एन प्लस टू होगी, आप उस पर जा सकते हैं, समझ रहे हैं, बाकी ये चीज आपके सामने एकदम सही है। आगे बढ़ा जाए, लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर, कौन कौन बता सकता है इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमसे कहा है कि एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, अर्थात कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, ये नियम होता है। उसने क्या किया, जो दूरियां तय किया, देखो पहले तो 15 किलोमीटर 15, दूसरा 20 किलोमीटर 20, तीसरा 25 किलोमीटर
ठीक है, 15, 20 और 25, और जो उसने देखो हमें समय चाहिए जबकि दिया है चाल। आप सबको पता है कि यहां पर जो चालें हैं उससे हम समय डिसाइड कर सकते हैं। समय क्या निकलता है बताएं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अपने जो डिस्टेंस है देखो, जैसे हमने कहा कि हम 15 किलोमीटर, अब क्रमशः के हिसाब से चला हुआ है, जैसे अगर समय की बात करो तो ये दूरी है 15 और चाल कितनी है बताएं, 15 ही है, 15/15। यह दूरी है 20 और चाल कितनी है 25। यह दूरी है 25 और चाल कितनी है 15। जोड़िए इसको तो कितना होगा 40, 20, 60। डिवाइड करिए इसको, 15, 15 दे कटा एक हुआ, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 4/5 हुआ। ठीक है, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5/3 हुआ। अगर एलसीएम ले लें तो 5 तिया 15 होता है, यहां 15 होगा, 5 तिया 15, 3 चौके 12 होगा, 3 पचे 15, 5 पचे 25 होगा, 25, 15, 40, 10, 50, 2, 52/15 होगा, 15 ऊपर चला जाएगा और नीचे 52 होगा। ठीक है, नीचे 52 होगा, 4 से डिवाइड कर दें, 4 13 बार होता है, 4 15 बार होता है, 225/ आप कर दो 13, 13 9, 22, 13 9, 22, 9 5, 13 7 91, 17.3 लमसम इतना आ रहा है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, नियम होगा 17.3, उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो जनरल हमने कर डाला उस हिसाब से उत्तर आपके पास कितना आ रहा है बताएं, 17.3 आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ट्रिक से भी जा सकते हैं, एक ट्रिक भी लगाया जा सकता है, हमने जैसे क्लास में कई बार पढ़ाया है, रेस एवरेज स्पीड को लेकर के 3-4 कंडीशंस दी है, बट वहां ट्रिक यहां अभी बताना मुझे लगता है कि सही नहीं है, इसलिए ट्रिक पर आपको लेकर के मैं फालतू में कंफ्यूज करें, इसलिए बेसिक पर ही रखने देते हैं, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, यस, चलिए आप लोग यहां पर नोट कर लें, 15वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने 17.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली चीज तो दिमाग में रखिए और मुझे कंफर्म करिए, ए का मान इस तरह चुनिए कि हमारे पास जो समीकरण दिया है, एक समीकरण यह दिया है, दूसरा समीकरण यह दिया है, का कोई हल ना हो। अगर कभी कोई समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 है, इस समीकरण को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सिस्टम क्या होता है, इनके हल को लेकर के कुछ कंडीशंस बनाई जाती है, वो क्या होती है आप समझिएगा। पहली चीज भैया, इनके हल हैं, हल संभव होते हैं, अगर हल हैं तो दो कंडीशन बनती है, एक तो अद्वितीय हल मतलब यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होता है जिसे कहते हैं अद्वितीय हल, मतलब अकेला एक ही हल होता है, एक ही पेयर होता है जो सोल्यूशन होता है, अर्थात इसको लिख सकते a1/a2 = b1/b2, ये तरीका होता है। एक होता अनंत हल, अनंत हल मतलब इनफिनाइट सोल्यूशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, लेकिन जो अपने से इस प्रश्न में पूछा है वो क्या पूछा है पता है, वो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए पूछा, जब कोई उस समीकरण का कोई हल ही ना हो, कोई हल ना हो भाई, ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाते हैं लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स में जिसके कोई हल ही नहीं होते, उसका सिस्टम होता है a1/a2 = b1/b2 but not = c1/c2, ये तरीका होता है जब कोई हल ही नहीं होता है। अब आपको जैसे समीकरण जो दिया है इसको इसी से कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे अपने समीकरण देखो क्या है 2x + ay, अगर हम इसको इधर भी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ ना ले जाओ, -1/0, और इधर कितना है 3x - 5y - 7/0, करेक्ट। अब आप पुट करिए इसी पैटर्न पर, इस पर रखिए सारी चीजों को, 2/3 = a/-5, हमसे केवल ए का मान ही हमको फाइंड करना है, ठीक है, ए का मान ही हमको फाइंड करना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत, हम चाहते तो इससे भी कंपेयर कर सकते थे बट वहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, यहीं से हम डायरेक्टली बता दें कितना हो जाएगा, ए बराबर मतलब आप लिख सकते हो 3a = -10, a = -10 होगा क्या, हाँ -10 है, -10/3, तो -10/3 देखो अपने लिए ऑप्शन सही है, ये नहीं है, गलती से मत लगा देना, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, -10/3, बहुत बढ़िया राइट सोल्यूशन है। लिखते जाइए, करते जाइए, सोल्यूशन करते जाइए, अच्छे प्रश्न है, सारे रिलेवेंट प्रश्न है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जितना बताते जाए उसको अच्छे से करते जाइए, आप लोग तैयार करते जाइए बस, ठीक है, मैं जितना विश्वास दिला रहा हूं आप उसको वैल्यू करो, आप उस पे उसके ही अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप परेशान मत होइएगा।
चलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, ये थोड़ा घुमा देगा लाभानी अगर जिसने पढ़ा है, अगर इसको ध्यान से देखें तो टाइम लगता है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन सिस्टमेटिकली साल करने पे कभी कोई गलती नहीं होती है। और एक बार अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, सभी लोग शेयर करते चलें, कंफर्म करिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है, 2800 रुपए में 32 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार है, ठीक है, 2800 रुपए में क्या कर रहे हैं, 32 कुर्सियां जब बेचते हैं तो 4 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर की हानि हो जाती है। जैसे अगर हम कोई एक दुकान चलाते हैं, मैंने 2800 रुपए में 32 कुर्सियों को बेचा तो जितने दाम में मैंने 4 कुर्सियां खरीदा था उतने की मुझे हानि हो गई, जितने दाम में मैंने 4 कुर्सियां खरीदा था उतने की मुझे हानि हो गई। अब मुझसे पूछा गया कि एक कुर्सी की लागत बता दो क्या होगी। एक बात मुझे बताओ, आपने जब इन 32 कुर्सियों को बेचा था तो सबसे पहले बेचा था कि खरीदा था? अगर आप एक व्यापारी हो, दुकानदार हो, तो आपने सबसे पहले क्या किया होगा, खरीदा होगा ना, बेचा तो बाद में होगा, पहले लागत लगाया होगा, खरीदा होगा, फिर उसको उठा के बेचा होगा उन्हीं 32 को। जब बेचा तो आपको 4 के क्रय मूल्य के बराबर की हानि हो गई। और जान लो, व्यापार में कभी जब सीपी बड़ा रहे और एसपी छोटा रहे, अर्थात आप कोई सामान 100 में खरीद कर 150 में बेचो तो फायदा है, लेकिन आपने 100 में खरीद के 75 में बेचा तो नुकसान है। सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो फायदा यहां पर हानि है। सीपी अगर जो है बड़ा है, एसपी अगर छोटा है, तो क्या है, हानि है। और हानि के लिए सीपी माइनस क्या लिखना पड़ता है, एसपी लिखना पड़ता है। इनके हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से 32 कुर्सियों को जब बेचा तो 4 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो गई है, हानि हो गई है। अब आप इसको अच्छे समझिएगा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने कहा भाई हानि को हम डिसाइड कर रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, और रिलेशन देखो हमने लिखा 32 का सीपी, ठीक है, 32 का सीपी माइनस, अगर मैं 32 के एसपी को घटा दूं तब मुझे 4 का सीपी प्राप्त होगा। बोलिए मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, एक बार ध्यान दीजिएगा जो मैंने लिखा। भाई 32 आपने बेचा है, लेकिन उससे पहले आपने 32 में पैसे कुछ लगाए थे, 32 की लागत से 32 का विक्रय घटा दे तो 4 का सीपी अर्थात 4 का क्रय मूल्य आया। क्लियर हुई बातें? अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सेट करना है। क्रय मूल्य को इधर लाइए तो लिखिए 28 सीपी बराबर 32 एसपी, लिख सकता हूं 4 सते 28 होता है, 4 अठे 32, इसका मतलब हुआ सीपी बटा एसपी बराबर 8/7। देखो यही नुकसान दिखा रहा है, मतलब आपने कोई सामान इस तुलना के हिसाब से 8 में खरीदा है और 7 में बेचा है, 8 में खरीदा है और 7 में क्या किया है, बेचा है। बहुत सारे लोग इस लाइन को नहीं समझ पा रहे होंगे, एक बार मुझे ईमानदारी से बताइए समझ में बातें आई कि नहीं, यही प्रश्न को आसान कर देगा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बनाया है सीपी और एसपी का रेशियो, मतलब भैया 8 में खरीद कर 7 में बेच रहा हूं, मतलब नुकसान साफ साफ दिख रहा है। अब आप ये बताओ कि जो आपने बेचा है वो कितने में बेचा है, बोलो कितने में बेचा है, 2800 में बेचा है, ठीक है, 2800 में बेचा है, तो 7 का मान किसके बराबर है, 2800, 7 का मान किसके बराबर है, तो बोलो खरीदा कितने में होगा, थोड़ा बताइए फटाफट सब लोग, बहुत आराम से बता देंगे। 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 चौके 28, 400 होता है, 400 को 800 गुणा कर दीजिए 800 से, 3200, अर्थात 3200 में आपने खरीदा था, 3200 में आपने खरीदा था, ठीक है, 3200 में आपने खरीदा था, कितनी कुर्सियां खरीदा था बोलो, 3200 में आपने 32 कुर्सियां खरीदा था, कितनी, 32, एक कुर्सी के लिए आप 32 से भाग कर दो, 100 रुपए उसकी लागत है, एक कुर्सी की लागत कितनी है, 100 रुपए, तो 100 इस प्रश्न का करेक्ट हल है, 100 रुपए एक कुर्सी की लागत थी, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है, तय कर लीजिए कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें, आ गया ना समझ में, गुड। तो करेक्ट आंसर है 17वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 100 रुपए है, 100 रुपए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन सिस्टमेटिकली अगर हल करोगे तो आसानी से आ जाएगा, बाकी कंफ्यूज होना हो तो बताओ, बहुत तरीके हैं, ठीक है। हम तुरंत तुरंत अभी निकाले, 32 का दाम, 1 का दाम, 4 का भी पता नहीं, सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे करूं इसको, तो इससे बढ़िया देखो जो सिस्टमेटिकली आपको हल कराया इसको आप इससे साल करिएगा, इसको पढ़िए। देखो इसको पढ़ के करने के दो तरीके हैं, ये वाला, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, आय का अनुपात दिया है, क्या दिया है भाई, आय का अनुपात ए और बी का, दो व्यक्ति है मान लो, 2:1 कितना है, 3, यदि उनका खर्च, 5:9 के अनुपात में है, खर्च क्या है बताओ, 5:9 के अनुपात में, 600 की बचत करता है प्रत्येक, प्रत्येक ने 600 बचाए तो उनकी आय ज्ञात करो क्या होगी। इसके पहले एक बात समझ लो आप लोग, देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो है हर व्यक्ति सबसे पहले कमाता है, हाँ, आय में, आय को दो टुकड़ों में बांटता है, खर्च और बचत,
देखिए ये दोनों बातें एक ही जैसी होती हैं। अगर आय में से आप खर्च घटा दो तो बचत आए, और बचत घटा दो तो खर्च आए, यही होता है ना। आय में से खर्च घटा दो तो बचत आए, और बचत घटा दो तो खर्च आए, ठीक है। अब जैसे इस प्रश्न में आय थी इतनी और खर्च इतने का रेशियो बना, लेकिन इसके बनने से पहले खर्च हुआ है भाई, बचत हुई है, प्रत्येक ने 600-600 बचाए हैं, तो अपनी बचत अगर वो लोग घटा दें, अपनी बचत वो लोग घटा दें तो जाकर के इस सिचुएशन पर पहुंच जाए। हमने कहा कि अगर नहीं आपको समझ में आया तो ट्रेडिशनल कर लीजिएगा। मानना इसकी आय 2x है और इसकी आय 3x है, इसने अपना 600 बचाया। अब कुछ लोग को लगता है जर घट रहा है, अरे घटेगा तो बचत भी तो घटता है। इसने अपना 600 बचाया और बराबर हो गए दोनों 5 और 9 के, हल करो x का मान आएगा, x को जिससे मल्टीप्लाई कर दो उसकी इनकम तो ही जाएगी। बट हम ऐसे नहीं करवाएंगे, हम आपको ऐसे समझाते हैं, 2 और 3 के अनुपात में कमाते थे, हो सकता है 2000 3000, 20000 30000, 2 लाख 3 लाख, ऐसे कमाते थे, 600 600 बचाते थे, 600 600 बचाते थे, तो 5 9 के अनुपात में उनकी खर्च डिक्लेयर्ड होती थी। अगर जब देखो, जब यहां पर इनके बचत या खर्च बराबर हो, ये 600 है ये भी 600 है, ऐसी कंडीशन में आपको जैसे भी डिसाइड करना हो, देखिए ध्यान से, ऐसे में हमको चेक करना चाहिए क्या इनके रेशियो का गैप बराबर है क्या। भाई देखो इनकी बचत बराबर है कि नहीं, ये 600 है ये 600 है, क्या रेशियो का गैप बराबर है, 2 से 5 है 3 से 9 है, 2 3 5 होता है 3 6 9 होता, बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे करोगे, इसका डिफरेंस देखो कितना है, 4, 4 से इसको गुणा कर दो, 4 से गुणा करो तो 4 2 8 है 4, जो रेशियो आपका 2 3 का था वो 8 12 का हो गया। अब इसका भी डिफरेंस आपको देखना चाहिए था, 2 3 का 1 होता है, 1 से गुणा करने का कोई प्रभाव होता नहीं है, इसलिए मत करिए। अभी 8 से 5 मतलब 3 कम हुआ, 12 से 9 मतलब 3 कम हुआ, देखो बराबर हो गया कि नहीं। अब इस 3 की तुलना तुरंत 600 से करिए, 3 बराबर कितना है 600, 1 बराबर बोलिए कितना है 200। अब किसकी इनकम निकालनी है, ए की जो 8 है और बी की 12 है, तो 8 बराबर 1600, 8 दुना 16 होता है 1600, ए की इनकम हो गई। बी की इनकम 12 बराबर 2400, 1600 और 2400 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आई बात है समझ में, तो इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, सी ऑप्शन आपने नोट किया, बढ़िया प्रश्न था, ध्यान देखिएगा समझिएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि प्रश्न क्या उत्तर देने वाला है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, लीजिए इस प्रश्न को बताइए फटाफट, कौन कौन बता रहा है। एक नाव है, ध्यान से बातें समझिएगा, जब वह धारा की दिशा में मतलब अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर, जिसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है, 8 किलोमीटर वह चलती है नदी में पानी में और 1 घंटे में पहुंच जाती है, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के जब अगेंस्ट चलती है 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा की गति बतानी है। मैं आपको कुछ बातें बता दूं, सबसे पहले समझ लो पानी, ये पानी है ना, ठहरा होगा ना, सुना है आपने, यहां पर एक नाव है, नाव की गति देखो, नाव की चाल है, ये नाव की चाल है, कब, शांत जल में, स्टिल वाटर में, ये पानी के अंदर मूवमेंट है, देखो ये मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को धारा कहिए, धारा की गति है, धारा की चाल क्या है, वाई है। अब जब यह नाव धारा के साथ चलती है, तो बनता है, इसे अनुप्रवाह कहलाता है, या धारा के अनुदिश कहलाता है, या अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर कहलाता है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, अनुकूल चाल कह सकते हैं। अनुकूल चाल को यू कहते हैं, इसको लिखा जाता है एक्स प्लस वाई, और जब धारा के अगेंस्ट चलता है तो इसे प्रतिकूल चाल बी होता है, इसे लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, देखिए ये आपके पास अनुकूल चाल है, ये अनुकूल चाल दिया है और यह प्रतिकूल चाल दिया है, अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया हो और धारा की निकालनी है तो आपको लिखना है यू प्लस बी बाई टू, ये धारा की चाल, नाव की चाल आ गई, सॉरी नाव की चाल में पूछ रहा बता रहा हूं, नाव की चाल निकालनी है तो लिखिए यू प्लस बी बाई टू, और अगर धारा की चाल निकालनी है तो लिखिए यू माइनस बी बाई टू, ये धारा की चाल आई। अब जैसे प्रश्न दिया है, इसने कहा धारा के साथ 8 किलोमीटर को 1 घंटा, तो अनुकूल चाल हो गई यू बराबर 8, और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी बराबर हो गया 2। आपसे पूछा किसकी है चाल, धारा की चाल, धारा की गति क्या है, मैंने लिखा अभी अभी यू माइनस बी बाई टू, वाई बराबर 8 माइनस 2 बटे 2, 8 में से 2 निकला 6 बटे 2, 6 बटे 2 कितना होता है 3, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। अगर यही हमसे नाव की गति पूछा होता, 8 प्लस 2 बटे 2, 8 प्लस 2 मतलब 10 बटे 2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति हो जाती शांत जल में, तो शांत जल में उसकी चाल हो जाती। 19वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं, जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए,
नल टंकी का प्रश्न है। हम सबके घरों में, एक घरों में नहीं, घरों पे एक टंकी रखी होती है जो हमारी जरूरतों के लिए पानी हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले उस टंकी में पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है अलग अलग रिसोर्सेस से, नगर निगम की सप्लाई पाइप से या जो है समरसेबल से, अलग अलग तरीके से पानी आता है। फिर बाद में हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तलियों में छेद करके या अलग अलग होल बना के बाथरूम में, किचन में, टेरिस पे, लॉन में, अलग अलग जगहों पे पानी का रिसाव करते हैं, निकालते हैं। दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पहला 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप है सी, जो से 20 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, पूरे टैंक को ओपन ब्रैंक कर सकता है। यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाएं, सबके सब साथ में खोले जाएं, तो टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा? ए भरने का काम करता है और कितना घंटा लगता है? 5। बी भी भरने का काम करता है और कितना घंटे लगते हैं? 10। ये भरने का काम करता है, भरने का काम करता है। तीसरा नल निकालने का काम करता है और निकाला देखो 20। ध्यान देना, जो समय ज्यादा लेता है कमजोर होता है। कभी ऐसी स्थिति हो कि भरने वाले, अब देखो इस प्रश्न को देखने से समझ में आ रहा है कि भरने वाले तेज हैं, भरने वाले तेज है तभी उनको समय कम कम लग रहा है, खाली करने वाला कमजोर है इसलिए उसको समय ज्यादा लग रहा है। अगर यहां भरने वाला कमजोर होता तो टंकी भरी नहीं पाती, फिलहाल खाली करने वाला कमजोर है इसलिए टंकी भर जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अब ऐसे में टंकी की क्षमता मान लीजिए, और क्षमता एक ऐसी संख्या लिया करिए जो तीनों से पूरी तरह से कट जाए, 5, 10, 20 से कटेगी वह संख्या 20, अर्थात 20 लीटर की क्षमता वाली टंकी है अपने पास, 20 लीटर की क्षमता वाली टंकी है, और 20 लीटर की क्षमता वाली टंकी को 5 घंटे में भरता है तो प्रत्येक घंटे 4 लीटर पानी डालता है, या 10 घंटे में भरता है तो प्रत्येक घंटे 2 लीटर डालता है, जबकि यह 20 घंटे में खाली कर देता है तो प्रत्येक घंटे 1 लीटर पानी निकालता है। 4, 2, 6 में से एक निकलेगा 5, अर्थात तीनों जब मिलेंगे तो 5 ही लीटर पानी पड़ेगा, जबकि पड़ना कितना चाहिए था 4, 2, 6, लेकिन यह 1 लीटर निकाल देता है ना, तो 5 लीटर ही विजिबल हो पाता है, उसमें स्टिल हो पाता है, रुक पाता है। अब तीनों नलों के अप्रोच से केवल 5 लीटर पानी रहता है, और इस पूरी टंकी की क्षमता को या टंकी की जिम्मेदारी हम तीनों को मिला के देते हैं इस कंडीशन पर, तो 5 से भाग करो तो 4 घंटे लगेंगे पूरी टंकी को भरने में, 4 घंटे। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप अच्छे से आज के सेशन को तैयार करिए, मुझे भरोसा है कि बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हुए होंगे। कितने आप कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा, समझ पाए चीजों को, नहीं समझ पाए ये भी बताइएगा, कहाँ डाउट आ रही है, कहाँ भ्रम है ये भी बताइएगा। बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।